हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? और जैसे ये देख रहे हैं, मेरे पास ये कोलियस का प्लांट है, तो आज इस पे मैं काम करने वाली हूँ। तो जैसे इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, मतलब गर्मी भी चल रही है, बारिश भी चल रही है, तो कोलियस को ज़्यादा मतलब फुल सनलाइट में नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपके गमले में कोलियस लगा हुआ है, जिसके मतलब जिसके पास नहीं है उसकी कोई बात नहीं, और जिसके पास अगर कोलियस लगा हुआ है तो सबसे पहले करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी अनवांटेड जो है ग्रास उगाई है। तो इसको इन सबको पहले यहाँ से निकालना है। इन सबको खूब अच्छे से निकाल दीजिए और गमले की खूब अच्छे से गुड़ाई करके इसको जो है थोड़ा सा खाद डाल दीजिए। खाद नहीं डालेंगे तो भी ये पौधा चल जाएगा आपका, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती, न ज़्यादा पानी की। और खूब अच्छे से गुड़ाई करके थोड़ा सा कंपोस्ट हो तो डाल दीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। और पानी डाल के इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे छन के एक दो घंटे की धूप आ रही हो। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, तो इसको फुल सनलाइट में मत रखिएगा, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जो है ना सारी जल जाएंगी और इसका कलर भी थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। ये मेरा देखिए डार्क कलर का होता है, लेकिन मेरा सनलाइट में पड़ा हुआ था ना, तो थोड़ा इसका कलर जो है चेंज हो गया है। तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको छन के धूप मिले एक दो घंटे की, और फिर उसके बाद जो है इसको तो बच्चे से गुड़ाई करके और थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दीजिए। अगर हाँ आप इसकी कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है फ्रेंड्स। करना कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ से पिंच करिए, और पिंच करें मतलब यहाँ से कट करके और उसके डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत आसानी से खीर जो है रूट्स आ जाती है। तो आज मैं इसको कुछ नहीं करूँगी फ्रेंड्स, इसको खूब अच्छे से गुड़ाई करूँगी, क्योंकि जो इसकी अनवांटेड ग्रास है इन सबको निकालूंगी मैं और गुड़ाई करके, और खूब अच्छे से पानी उन्हें देके इसको मैं साइड में रखूंगी, क्योंकि धूप में पड़े रहने की वजह से देखिए आपको दिखा, देखिए पत्तों का कलर कैसे सब चेंज हो रहा है। तो बस ये आप लोग के साथ में शेयर करना था। अगर आपके पास कोलियस का प्लांट लगा हुआ है तो आप इसको ऐसी जगह रखिए ज़्यादा इसको मतलब धूप न लगती हो, तो नहीं तो आपके प्लांट खराब हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी कटिंग भी ले आके नर्सरी से लगा सकते हैं। और ये कई कलर में भी आता है फ्रेंड्स, ये तो मेरे पास एक ही कलर है, ये तो कई रंगों में भी आता है। तो आपको जो नर्सरी में अवेलेबल हो आप वहाँ से ले आके कटिंग लगा लीजिए, और नहीं तो अपने फ्रेंड्स के आस के पास में अगर हो तो वहाँ से भी ले आके लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ और कुछ कटिंग समय लगाऊंगी जगह जगह पर। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी मैं कटिंग लगा के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये प्लास्टिक का बोतल है और इसी में मैं कटिंग लगाने वाली हूँ, और मिट्टी में कुछ अलग से नहीं मिलाऊंगी मैं। ये मेरे देखिए गमले की मिट्टी है, इसमें मेरे प्लांट्स लगे हुए थे तो उसको मैंने निकाल के हैंगिंग बास्केट बना दिया, क्योंकि तो इसमें जो प्लांट लगा हुआ था, और यही मिट्टी मैं यूज करूंगी। बाद में इसमें जो मिट्टी बचेगी और मैं मिला के इसमें जो है आपका वो मॉइस्चराइज लगाऊंगी इस गमले में। तो चलिए इसके पहले क्या है, मैंने ये कपड़ा लिया है इसका ड्रेनेज होल, ये देखिए ढकने के लिए, नहीं तो जब भी आप मिट्टी डालेंगे ना तो सारा नीचे से बह जाएगा। और ये थोड़ा मोटा कपड़ा मैंने लिया है दो तीन मतलब लेयर बना के, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो थोड़ा पानी इसमें जो है ये कपड़ा नीचे गीला रहेगा, तो मेरे प्लांट्स को जो है थोड़ा सा नीचे से मतलब मॉइस्चराइजर जो है वो मिलेगा। तो चलिए देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिट्टी, ये देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, बस ऐसे ही, ये देखिए ये सारी मिट्टी ऐसे डाल देना है। हाँ तक ज़्यादा नहीं फिलअप करूँगी, क्योंकि पानी डालूंगी ना, गर्मी का सीजन है तो थोड़ा पानी भी चाहिए। वैसे इसको तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कभी भी पूरा गमला फिलअप नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नीचे दो तीन अंगुल इतना खाली रखना चाहिए पानी डालने के लिए, क्योंकि जो पानी इसमें हम डालेंगे तो कुछ देर तक पानी यहाँ रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि पानी जब डालते हैं तो उसको नीचे तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए हो गया, और अब इसमें एक फूल करेंगे इस तरीके से, और आप कटिंग ले लीजिए। चलिए मैं कटिंग लेती हूँ ऐसा, इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, उसकी वैसे भी ब्रांच बहुत लगी होगी, ये देखिए इस तरीके से। और ये नीचे की पत्तियाँ इसको हम निकाल देंगे ऐसे, और करना कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसमें डिप कर देना है। देखें इस तरीके से करके आप बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए और पानी डाल के इसको शेड में रख देंगे, फिर आपका देखिए कुछ दिन में बहुत आसानी से ये जो है आपका प्लांट तैयार हो जाएगा।
और एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा लेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमेशा आपके पास बना रहेगा। जब इसका देखिए प्लांट खराब होने लगे, इसकी कटिंग लगा के ढेर सारी कट करके आप जो है लगा दीजिए, और आपको मतलब नर्सरी से लाने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपना कटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।